अभी कुछ दिनों पहले से टीचर्स और मास्टर्स की ट्रांसफर्स को लेकर बवाल है, लेकिन जहां हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, जहां बहुत ज्यादा जरूरत गांव देहातों में और पेरिफेरल एरियाज में डॉक्टर्स की होती है, वहीं आंकड़े ये बताते हैं कि सिटीज ओवर क्राउडेड हैं, सिटीज में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन पेरिफेरल एरियाज गांव देहात के इलाकों में आप शहर से 5 किलोमीटर दूर ही क्यों ना चले जाएं, वहां पीएचसी सीएचसीज में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। जहां जहां पर हमने भी स्ट्रेट लाइन की टीम ने खुद पीएचसीज में और सीएचसीज में विजिट किया, देखने को यह मिला कि कोई एक डेंटिस्ट या कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर वहां पर है, एमबीबीएस डॉक्टर्स वहां पर मौजूद नहीं है। और कई सारी पीएचसी सीएचसी तो ऐसी देखी जहां पर टॉप क्लास इक्विपमेंट जो है वो पहुंचाया गया है, एक्सरे मशीन हो या अल्ट्रासाउंड हो, लेकिन ना डॉक्टर्स है, ना टेक्नीशियन है, ना पैरामेडिकल स्टाफ है जो उस उन मशीन्स को ऑपरेशनल कर सके। अब आंकड़े ये भी दिखा रहे हैं कि जम्मू खित्ते में 50% जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसमें 50% डॉक्टर्स है ही नहीं। और ये सारा कुछ क्यों, जम्मू खित्ते से ये आंकड़े क्यों नजर आ रहे हैं और इसे टैकल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह है, जिन्होंने इसी मसले को लेकर, ये जो डॉक्टर्स की कमी है इसको लेकर एक पीआईएल फाइल की थी। वो पीआईएल आज तक चल रही है, लेकिन उस पीआईएल के दायर होने के बावजूद भी, कोर्ट में हियरिंग होने के बावजूद भी, क्या सरकार कोई कदम उठा रही है इन डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बलविंदर जी आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो करंट फिगर्स हैं उसके मुताबिक जम्मू खित्ते में कितने डॉक्टर्स की वैकेंसीज हैं और कितनी वैकेंसीज उनमें से फिल्ड हैं, कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है और कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? पल्लवी जी, मैं आज से 5 साल पहले मैंने पीएल ये कोर्ट में लगाई थी, और पीएल इसलिए लगाई थी क्योंकि जम्मू में हम देखते थे जम्मू में रश बढ़ा है जीएमसी में, तो हमने उस रश का कारण जानने की कोशिश की भाई जम्मू में इतना रश क्यों पेशेंट्स का। उन पेशेंट्स को पूछा कोई कहां से आयो, कोई बिलावर से आया, कोई बन्नी से आया, कोई दूर दराज इलाके, सर पेरिफेरिक है। तो जब पूछा उनसे, कहने वहां डॉक्टर्स नहीं है। फिर हमने कहा भाई अगर डॉक्टर्स नहीं है तो इसकी जानकारी लेनी चाहिए। एज एन एक्टिविस्ट मैंने एक आरटीआई फाइल की, यहां डाटा निकल के आया, उस वक्त डाटा निकल के आया 248 सीआईसी पीएससी दे आर रनिंग विदाउट डॉक्टर्स। तो पूरा मेरे पास पूरा जिस पूरी इंस्टीट्यूशन वाइज डिटेल मेरे पास आई, तो इंस्टीट्यूशन वाइज डिटेल जब मेरे पास आई तो देख के हैरान हुआ कि 50% डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। और पल्लवी जी, शॉर्टेज ज्यादा जितना एरिया रिमोट होता जाता है उतनी शॉर्टेज बढ़ती जाती है। सिटी, हर कोई सिटी में रहना चाहता है, पेरीफरी में कोई भी जाने को राजी नहीं। इवन के वो लोग भी जिन्होंने सीटें पेरीफरी से ली हैं, रिजर्व कैटेगरी से ली हैं, वो भी वापस सर्व नहीं करना चाहते। जिसकी उधमपुर चल जाओ, उधमपुर में डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन आप पंचायरी चल जाओ, मोंगरी चल जाओ, दूर दराज इलाके में चल जाओ, वहां डॉक्टर, वहां डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो और एक बात ये भी बड़ी हैरान करने वाली थी कि अपॉइंटमेंट करने की इंटरेस्ट किसी ने नहीं बताया। पीछे जब आज जब सरकार थी, सरकार से हमने डाटा मांगा था भाई हेल्थ में पिछले 5 साल के टेन्योर में कितनी ट्रांसफर हुई और क्या हुआ। 1100 डॉक्टर था पल्लवी जी, 2200 बार ट्रांसफर हुई थी। वहां समझ सकते हैं ट्रांसफर पे जोर दिया गया, अपॉइंटमेंट पे जोर नहीं दिया गया। अब जो डाटा लेटेस्ट जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट चीफ जस्टिस साहब ने मांगी इनसे, भाई लेटेस्ट रिपोर्ट हमें एज एन डेट स्टेटस हमें सबमिट कीजिए। 2018 का डेटा तो हो गया, आज की स्थिति बताएं, आज की स्थिति वहां भी। तो आज जो जज साहब के पास इन्होंने कोर्ट में जो स्टेटस फाइल किया, ये मैंने नहीं किया, ना मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव है, ना मेरा कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स है, मैं एक पब्लिक स्पिरिटेड आदमी हूं, उसी बेस पे बात करता हूं। तो जो आज का डाटा निकल के जो इन्होंने कोर्ट में खुद सबमिट किया, इन्होंने कहा जी जम्मू में 1390 डॉक्टर्स की सैंक्शन स्ट्रेंथ था, उसके अगेंस्ट 726 डॉक्टर हैं, 664 डॉक्टर जिनके 50% डॉक्टर्स आज भी जम्मू डिवीजन में वैकेंसी की खाली पड़ी है। 664 डॉक्टर्स की कमी है जम्मू खित्ते में, क्या कश्मीर में भी यही हाल है या कश्मीर में डॉक्टर 690 664 की वहां शॉर्टेज चलती है। तो कश्मीर की सुन के मैं हैरान हुआ, कश्मीर में 1467 डॉक्टर्स की सैंक्शन स्ट्रेंथ था, उसके अगेंस्ट ऑलमोस्ट 1400 डॉक्टर्स हैं, टोटल 72 वैकेंसीज हैं। ये कुछ भी नहीं है, नॉमिनल है, मगर 72 डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। एक तरफ जम्मू खित्ते में जहां 664 वैकेंसीज हैं, 50% वैकेंसीज हैं, वहीं कश्मीर खित्ते में सिर्फ 72 वैकेंसीज हैं, 4% की शॉर्टेज है, 4% शॉर्टेज नॉमिनल होती है, बट उनसे काम बाकी काम चल जाता है। तो पल्लवी जी, ये मैं मानता था पहले, आर्टिकल 370 को तोड़ा गया भाई, कश्मीरी डोमिनेंस को काम करना है, कश्मीर वाले करते हैं, कश्मीर वाले अपनी अपॉइंटमेंट देखते हैं, अपना किया। मैं मुबारकबाद देता हूं ऐसे उन लोगों को जिन्होंने, जिनके हाथ में भाग दौड़ रही और उन्होंने कम से कम अपने खेते के बारे में तो सुधारा। जम्मू में 4 मिनिस्टर हेल्थ के जम्मू से रहे, मैं नाम नहीं लूंगा, 4 मिनिस्टर हेल्थ के जम्मू से रहे, किसने इनको रोका था अपॉइंटमेंट न करो? क्या सिर्फ ट्रांसफर पर ही जोर रखा?
इन्होंने अपॉइंटमेंट क्यों नहीं की? क्या कश्मीर वाले ने इनको हाथ पकड़ के रखा था भाई आप ट्रांसफर आप अपॉइंटमेंट नहीं करोगे? क्यों आपने अपॉइंटमेंट नहीं की? आपसे सवाल पूछता हूं ना, क्यों आपने अपॉइंटमेंट नहीं की? तो ट्रांसफर आप एक ही डॉक्टर है, उस डॉक्टर को चार जगह तो ट्रांसफर कर नहीं सकते, आपको तो चार जगह पे चार डॉक्टर्स की जरूरत है, तो ट्रांसफर से तो मकसद ही पूरा नहीं होगा जब आपके पास डॉक्टर्स की कमी है। वो भी जो डाटा निकल गया है 1100 डॉक्टर की 2300 बार ट्रांसफर हुई एक ही टेन्योर में, किसी में 2300 बार ट्रांसफर, वो भी हैरान करने वाली बात ही भाई। जिन्होंने कुछ किया उनकी भी ट्रांसफर कर दी, जिन्होंने नहीं दिया उनको बाद में उनकी मॉडिफिकेशन कर दी, ये बातें भी कहीं ना कहीं कुछ गलत थी। तो ये मैं उनसे पूछता था भाई क्यों आज तक डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं, और आज पलवी जी 370 रिवोक हुए, चार साल के करीब होने जा रहे हैं। अब कश्मीर की डोमिनेंस नहीं है, उनकी इंटरफेरेंस नहीं है, दिल्ली का डायरेक्टर रूल है यहां पर, आज किसने आपको रोका? आपने आज भी पिछले चार साल में इस पिटीशन के ऊपर डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट क्यों नहीं की? क्या मैं आप डोर स्टेप पे फैसिलिटी देने की बात करते हैं? फिर तो मैं ये कहूंगा कि राष्ट्रीय सरकार ने कई अवार्ड मैनिपुलेट किए, अभी भी उन्होंने हेल्थ सेक्टर में अवार्ड लिया, किस चीज का अवार्ड लिया? आपके पास यहाँ स्टाफ नहीं है, आप बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं दे सकते, डोर स्टेप पे आप फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो अवार्ड आपने किया? बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर दी है, बिल्डिंग के अंदर डॉक्टर है ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं आपसे समझना चाहूंगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या स्टेटस है और कौन कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो वर्स्ट अफेक्टेड हैं इस डॉक्टर्स की शॉर्टेज से? पलवी जी देखिए, जम्मू में 319 डॉक्टरों की सेंक्शन स्ट्रेंथ है, उसके अगेंस्ट 254 है, 65 डॉक्टर्स की अभी भी शॉर्टेज है, यानी कि यहां पर सिर्फ 20% जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 20% शॉर्टेज है, क्योंकि यहां पर डॉक्टर लोग सर्विस करना चाहते हैं, इस वजह से 24। अदरवाइज डोडा में चले जाइए, वहां 68% शॉर्टेज है, डोडा में 68% डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, 125 के सेंक्शन स्ट्रेंथ था, उसके अगेंस्ट 43 डॉक्टर्स हैं, 82 की वैकेंसी आज भी है। हालांकि डोडा का वो इलाका है जहां पर मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं, वहां पर ट्रॉमा हॉस्पिटल की जरूरत है, वहां पर इन सारी चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके बाद आप किश्तवाड़ चले जाइए, 82 डॉक्टर्स की सेंक्शन स्ट्रेंथ है, अगेंस्ट 33 डॉक्टर्स हैं, 49 डॉक्टर्स वहां भी नहीं है, यानी कि 60% के अभी यहां भी वहां भी शॉर्टेज है। इसी तरह पुंछ में भी 60% डॉक्टर की शॉर्टेज है। अब कठुआ की बात करें, वहां पर 164 की सेंक्शन स्ट्रेंथ है, 65 इन प्लेस है, 99 की शॉर्टेज है कठुआ। ये भी जो 65 इन प्लेस है, मैक्सिमम जो है वो कठुआ सिटी के आसपास हो रही है, नेशनल हाईवे के आसपास हो रही है। तो वहां पर कोई भी नहीं, बसोली और बाकी इलाकों में आप चले जाए वहां पर डॉक्टर नहीं है। 60% वहां भी शॉर्टेज है। उधमपुर देखिए, वहां भी 55% शॉर्टेज है। रियासी देखिए, वहां भी 55% शॉर्टेज है। सो मैं समझता हूं आज ये शॉर्टेज जिसकी वजह यही है कि बार बार हम कहते हैं कि लोग हमारे पीजीआई क्यों जाते हैं, लोग हमारे एम्स में क्यों जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप आपने किया है, बड़े बड़े अच्छे कास्टली इक्विपमेंट्स आपने रखे हैं, उसके बावजूद आप डॉक्टर नहीं दे पा रहे। और कई पिछली बार लास्ट ईयर मेरे पास डाटा यह भी निकल के आया था कि जहां बीडीएस डॉक्टर्स हैं वहां उनके पास चेयर नहीं है, डेंटल चेयर नहीं है, जहां डेंटल चेयर है वहां बीडीएस डॉक्टर, वहां बीडीएस डॉक्टर नहीं है। ये चीजें आज भी एग्जिस्ट करती है कुछ ऐसी, भले जहां पर जम्मू के अच्छे डॉक्टर्स जिनका पैट्रोनेज ऊपर कोई नहीं है वो ऐसी जगह भेज दिए गए हैं जहां ओटी ही नहीं है, और अगर ओटी है तो वहां एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है, तो जहां ओटी नहीं होगा, एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं होगा, तो वो सर्जन वहां जाकर क्या करेगा? सो ऐसी ऐसी रेडियोलॉजिस्ट वहां भेज दिए हैं जहां अल्ट्रासाउंड मशीन, जहां ना सीटी स्कैनर ना अल्ट्रासाउंड मशीन है, जहां मशीन पर पेरिफेरी में अगर डॉक्टर भेजा भी गया है तो उसे अटैच किया गया है सिटी में, वो मोस्टली सिटी में होता है, लेकिन जो पोजीशन फिल की हुई है वो पेरिफेरी की, पेरिफेरी तो पेरिफेरी में। आज भी आप जम्मू के हॉस्पिटल में जाकर देखो, पूछो लोग कहां से आए, उसी पेरिफेरी से जहां डॉक्टर्स नहीं है। तो ये सरकार बड़े बड़े क्लेम तो करती है, पूरे पूरे पेज की एडवर्टाइजमेंट तो देती है, लेकिन बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज आज तक सरकार प्रोवाइड नहीं कर पाई, क्योंकि जो हमारी आर्टिकल 21 इम्पोजेज एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, 21 कास्ट करता है ऑब्लिगेशन सरकार पर, लेकिन सरकार उस पर बिल्कुल, पिछले चार साल में तो सरकार ने किसी ने नहीं रोका ना, सरकार की इससे सरकार से जवाब पूछता हूं, आपने चार साल में अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं की, ये 50% शॉर्टेज आज भी क्यों है? और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स जो है वो सर्व नहीं करना चाहते, अगर कश्मीर खित्ते में मैक्सिमम वैकेंसीज फिल्ड है, सिर्फ 4% वैकेंसीज है, तो ये तो कहा नहीं जा सकता कि डॉक्टर्स आगे सर्व नहीं करना चाहते। अभी की कमी है कि आप उन डॉक्टर्स को जो है वो जम्मू खित्ते में पेरिफेरल एरियाज में भेज नहीं पा रहे। आज भी जम्मू में पलवी जी 5000 के करीब डॉक्टर हमारा अनएम्प्लॉयड बैठा है, उसके अलावा हमारे बीडीएस के डॉक्टर्स हमारे कई सालों से 2012 के बाद कोई भी पोस्ट बीडीएस की नहीं निकली, क्यों नहीं निकली? और बीडीएस की पोजीशन हमारी खाली पड़ी है, मेडिकल ऑफिसर्स हमारे खाली पड़े हैं, डॉक्टर्स 5000 अनएम्प्लॉयड बैठा है, लेकिन आप नहीं करना चाहते, आप भर्ती ही नहीं करना चाहते। अगर करना चाहो तो ऐसी बात नहीं कि डॉक्टर नहीं मिल सकते, डॉक्टर हैं हमारे पास, आपने पोस्टिंग निकालते। बड़ी मुश्किल से पिछले चार सालों में कोर्ट ने इनको कितनी बार फटकार लगाई, पीएससी के थ्रू ऑर्डर निकले, पीएससी ने निकाली, फिर भी 200-250 डॉक्टर्स लगा, वो भी जुडिशियल इंटरवेंशन के बाद। ये हमें जुडिशियल में ये काम एग्जीक्यूटिव का होता है,
जुडिशियल इंटरवेंशन बड़ी मजबूरी में लेनी पड़ती है। जब डाटा निकल के आया, इनको हमने लिखा, किसी ने नहीं सुना, तब हम कोर्ट में गए, जुडिशियल इंटरवेंशन लेनी पड़ी। आज इस बार चीफ जस्टिस साहब और एमएच चौधरी साहब ने, जस्टिस साहब ने बड़ा कड़ा संज्ञान लिया और बड़े कड़े शब्दों में इनको हिदायत दी है कि आप जल्दी नेक्स्ट डेट में हमें यह बताएंगे कि आप क्या स्टेप लेने जा रहे हैं, कैसे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर आप इस बार फेल होते हो, आप नहीं अपॉइंटमेंट कर सकते, तो हम पॉलिसी बनाएंगे भाई अपॉइंटमेंट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो मैं मुबारकबाद देता हूं कोर्ट को भी कि कोर्ट ने बड़ा अच्छा संज्ञान लिया। और मैं अपने एडवोकेट्स का नाम भी लेना चाहूंगा, शेख शकील साहब, जिसने पिछले 4 साल में बहुत ही बस जबरदस्त तरीके से कोर्ट में इस केस को फॉलो किया और कभी उन्होंने 1 रुपया मुझसे चार्ज नहीं किया। मेरी काफी पिटिशन कोर्ट में पेंडिंग है जो जिनको वो देखते हैं, आज तक उन्होंने मुझसे कुछ भी चीज चार्ज नहीं की, क्योंकि वो भी पब्लिक इंटरेस्टेड आदमी है, पब्लिक स्पिरिटेड आदमी है। इन जब ये चीजें मैंने उनके सामने लाई, कहने का बुलंदी डेफिनेटली मैं ये करूंगा। जो जो केस मैंने पब्लिक स्पिरिटेड, पब्लिक रिलेटेड इशू उनके पास रखा, तो उन्होंने मेरा उस चीज को लिया, कभी 1 रुपया मुझसे चार्ज नहीं किया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जस्टिस साहब भी और हमारे एडवोकेट साहब भी सबकी कोशिश से इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा के ही छोड़ेंगे। इसको तब तक हम फॉलो कर नहीं छोड़ेंगे जब तक ये एक एक पोस्ट फिल नहीं की जाती। हमारे बच्चे अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, आप उनको अपॉइंटमेंट क्यों नहीं देते? इस चीज का सरकार कहीं ना कहीं जवाब देना। पीएल में जानना चाहूंगी कि जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो सरकार की तरफ से जो वकील कोर्ट में पेश हो रहे थे, उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दी, उन्होंने अपनी तरफ से क्या सफाई पेश की कि किस वजह से इतनी वैकेंसीज एग्जिस्ट करती हैं और इसे केटर करने के लिए वो कौन से कदम उठा रहे हैं? कोर्ट के सामने कुछ ना कुछ तो कहा होगा। कोर्ट ने काफी बार इनको ये चीजें पहले पूछी, लेकिन उन्होंने कभी भी ये कोई सेटिस्फेक्टरी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी अपॉइंटमेंट निकाल लिया, देखिए पीएससी ने निकाल लिया, बच्चे नहीं आए, ये इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया, ये नहीं हुआ। लेकिन इस पर भी जज साहब ने तभी, चीफ जस्टिस साहब ने तभी कहा है पाया आप हमें बताइए भाई आप क्या स्टेप लेने जा रहे हो, आप रिक्रूटमेंट के लिए क्या स्टेप लेने जा रहे हो। अगर आप नहीं ले पाओगे, नहीं रिक्रूटमेंट 4 साल में कर पाए या 5 साल में कर पाए, तो फिर हम देखेंगे ये रिक्रूटमेंट की पॉलिसी हम फ्रेम करेंगे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की, हेल्थ की खास करके, ताकि ये पोस्टें पोजिशन फिल की जा सके। लोग जो सफर करते हैं पलवी जी, आज की डेट में हेल्थ का एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव हो गया। और ठीक है एक प्रधानमंत्री की जो योजना उसके तहत 5 लाख का इंश्योरेंस दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद पेरिफरी में लोग उसका इस्तेमाल कार्ड का कहां करेंगे? डॉक्टर नहीं होगा तो वो कार्ड वहां पर क्या करेगा? और कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे भी देखने को मिले हैं जहां पर जब प्रेग्नेंट महिलाएं जो है हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले ही उनका बच्चा डिलीवर हो गया, क्योंकि पीएचसी में गए तो वहां पर डॉक्टर थे ही नहीं। अगर मेन हॉस्पिटल में पहुंचना है, शहर में पहुंचना है, तो जब तक एम्बुलेंस वहां पहुंचती है तब तक एम्बुलेंस में बच्चा जो है वो डिलीवर हो गया कई केसेस में, क्योंकि सड़कें भी इस तरीके की हैं कि जब तक एक व्यक्ति जो अपने गांव वाले अस्पताल में अगर उसे डॉक्टर नहीं मिलता, जब तक वो शहर पहुंचता है तब तक या किसी व्यक्ति की मौत हो गई होती है या उसकी सिचुएशन वर्सन हो गई होती है। पल्लवी जी ये बात जो पॉइंट आपने कहा ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात मैं कहना चाहूंगा, ये एक बड़ा अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है। बाहर के इंस्टीट्यूट से रेफरल इंस्टीट्यूट बन के रह गए हैं, वो छोटी सी छोटी बीमारी के लिए भी ट्रीटमेंट के लिए उसको जम्मू भेज देते हैं, उसकी वो प्रिस्क्रिप्शन का सोशल ऑडिट होना चाहिए। क्या अगर किश्तवाड़ से, रजौरी से, पुंछ से, कठुआ से उन पेशेंट्स को जम्मू भेजा गया, क्या क्यों भेजा गया, क्या यहाँ वो कैपेबल नहीं थे? इतने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं इन सभी इलाकों, इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर आज भी केसेस रेफर किए जाते हैं, इनका सोशल ऑडिट होना चाहिए, इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। कोई डॉक्टर 1.5-2 लाख से कम सैलरी नहीं लेता। अगर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में सर्जरी कर सकता है, प्राइवेट क्लिनिक्स में जाके सर्जरी कर सकता है, पेशेंट को अटेंड कर सकता है, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वो क्यों नहीं करता? ये चीजें जब तक नहीं की जाएंगी तो लोग, आज भी लोग एम्स और बाहर आउट ऑफ स्टेट जाने की कोशिश करेंगे। और अंत में एक बार और ये कह दूं, बड़ी देर से जम्मू वालों की डिमांड रही है, कई एक्टिविस्ट ने कोर्ट में भी जाकर दरवाजा खटखटाया भाई, एक तो ये सिलसिला, दूसरा अगर यहां हेल्थ सिनेरियो ठीक करना है तो प्राइवेट प्रैक्टिस को आपको बैन करना पड़ेगा। प्राइवेट प्रैक्टिस बैन जब तक नहीं करेंगे तब तक ये सिलसिला सुधरने वाला नहीं है। हेल्थ इंस्टीट्यूशन हमारा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने से, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रखने से चीजें नहीं सुधरती, ये बेसिक है। क्योंकि आज भी डॉक्टर जब पलवी जी, हर शख्स की काम करने की कैपेसिटी होती है, जब सुबह डॉक्टर सुबह 5 बजे उठ के पहले अपना क्लिनिक अटेंड करता है, वहां पेशेंट को 10-20-30 पेशेंट को देख के आता है, भागता हुआ वो हॉस्पिटल पहुंचता है, उसके बाद वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, उसके बाद बच्चों जब वो पढ़ाएगा ठीक नहीं, एक क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स कहां से प्रोड्यूस करेंगे? और मैं दावे से कहता हूं कोई भी डॉक्टर्स ने जम्मू में पिछले 2-4-5 सालों में कोई बताए जिसने रिसर्च पेपर को लिखा हो, नहीं करते रिसर्च, टाइम नहीं मिलता, क्योंकि इनको दौड़ होती है प्राइवेट क्लिनिक अटेंड करने की। तो जम्मू में फॉर्मेलिटी सिर्फ करते हैं, अच्छा जम्मू में हॉस्पिटल में हफ्ते में सिर्फ 1 डे इनका रखा हुआ सर्जरी का, बाकी ओपीडी है 2 दिन 1 दिन सर्जरी का, वहां लोगों को 2-2 महीने की डेट दे दी जाती है, वहां लोगों की सर्जरी नहीं होती, 2 या 3 डॉक्टर सर्जरी करता, वही डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में जाकर 8-8-10-10 सर्जरी कैसे करता?
तो वहां काम करने की कैपेसिटी कैसे बढ़ जाती है उनकी। सो इन चीजों को भी देखने की जरूरत है। ओवरऑल अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, इन चीजों को देखने की जरूरत है। प्रैक्टिस, क्योंकि कहीं भी यूटी में प्राइवेट प्रैक्टिस लो नहीं की जाती, वायद जम्मू यूटी ऐसी है जहां प्राइवेट प्रैक्टिस लो की जा रही है, तो इससे भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हमारा सफर कर रहा है। इन चीजों पर गौर करने की जरूरत है, ये पोजीशन फिल करने की जरूरत है, तभी हम कहेंगे भाई यहां एक अच्छी हेल्थ क्षेत्र की जो सरकार की तरफ से अच्छी व्यवस्था, वरना ये सिलसिला चलता रहेगा। आज भी आप लखनपुर खड़े हो जाए, हर 5-10 मिनट के बाद एक एम्बुलेंस जम्मू कश्मीर से बाहर जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि लोगों का यहाँ एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है, दूसरा यहां पर पूरा स्टाफ पूरा ना होने की वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ता है, मजबूरी में जाना पड़ता है। शौक नहीं है लोगों को, क्योंकि बड़ा कास्टली है ट्रीटमेंट, बाहर जाके भी घर भर बेचना पड़ता है लोगों को, इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि यहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंगे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट नहीं है, स्टाफ नहीं है, पैरामेडिकल शॉर्टेज है, नॉन कस्टर स्टाफ की 50% शॉर्टेज है। तो इसलिए इस शॉर्टेज को मैं दरख्वास्त करता हूँ ऑनरेबल एलजी साहब से कि पिटीशन कोर्ट में भी लगा के हम था, कि जस्टिस साहब भी बार बार इंटरवीन करके बोल चुके हैं, उसके बावजूद आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या कहती है, अपॉइंटमेंट क्यों नहीं की जाती? कम से कम नई सैंक्शन मत करो, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ आ रही उसको तो कम से कम फिल करिए, ताकि लोगों का भरोसा सरकार पे बने, लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का लोगों का भरोसा बने, ताकि वो रियासत से बाहर ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ चीजें जो फंडामेंटल है, चाहे वो एजुकेशन हो या हेल्थ सेक्टर हो, ये चीजें जिसके बगैर रहा नहीं जा सकता, उसमें भी इतनी डिस्पैरिटी देखने को क्यों मिल रही है कि जहां कश्मीर खित्ते में केवल 4% ऐसी वैकेंसीज है जिन्हें फिल नहीं किया गया है, वहीं जम्मू खित्ते में 50% जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो खाली है डॉक्टर्स की, खास तौर पर पेरिफेरल एरियाज में, गांव देहात के इलाकों में जहां डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है। वहीं सरकार हेल्थ सेक्टर को लेकर जम्मू कश्मीर में कितनी सीरियस है, इस बात का पता इस बात से लगता है कि ना ही प्राइवेट प्रैक्टिस पर कोई बैन है, और दूसरा ये कि एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन को जो हेड कर रहे हैं उनके खिलाफ कोर्ट स्ट्रिंजेंट रिमार्क्स देता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं, उन्हें हटाने के बारे में भी सरकार नहीं सोच रही। अलग अलग जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, पीएचसी सीएचसी बना दी गई है, उसमें मशीनें भर दी गई हैं, कहीं डेंटल चेयर भर दी गई है, कहीं पर जो है एक्सरे मशीन अल्ट्रासाउंड की मशीन भर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डॉक्टर जरूरी है वहां पर, जो पैरामेडिकल स्टाफ जरूरी है, वारे डोडा किश्तवाड़ और बाकी सभी जगहों से कई ऐसे मामले सामने निकल कर आते हैं जहां पर एक्सीडेंट के बाद जीएमसी होने के बावजूद भी वहां पर पेशेंट ट्रीट नहीं होता, उन्हें जीएमसी जम्मू भेजना पड़ता है। सीएचसी पीएचसी में अगर कोई पेशेंट चला जाता है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज वहां पर उन्हें नहीं मिलती। तो ये मामले जो है वो तब तक इसी तरीके से बने रहेंगे जब तक ये कोर प्रॉब्लम जो है उन्हें एड्रेस नहीं किया जाएगा। जी परवेश जी, एक लास्ट में जरूर कहूंगा, पहले तो हमारा मेडिकल कॉलेज बाहर नहीं थे, आज हमारा रजौरी जगह जगह पुंछ बन गया, डोडा बन गया, तो एक ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए जो मेडिकल एजुकेशन में जो डॉक्टर्स हैं, अगर जम्मू मेडिकल कॉलेज में 20-20 साल एक डॉक्टर जहां बैठा रहेगा उसकी मोनोपोली बन जाएगी, उसका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से सारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, बहुत बड़ी करप्शन का अड्डा बन जाता है। जो है ये ट्रांसफर पॉलिसी रखनी चाहिए कि मेडिकल कॉलेज के जम्मू के डॉक्टर भी डोडा मेडिकल कॉलेज जाकर सर्व करें, रजौरी मेडिकल कॉलेज जाकर सर्व करें, ना इंटर डिस्ट्रिक्ट ये ट्रांसफर होनी चाहिए, मेडिकल एजुकेशन में नहीं है ये भी एक करप्शन का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, क्योंकि इनकी नेक्सस बन जाता है प्राइवेट लेबोरेटरी से, प्राइवेट चीजों से, तो उस चीज को भी रोकने की जरूरत है। इनकी ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, इनको भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर सर्विस करने का मौका देना चाहिए। 20-20 साल जो डॉक्टर एक जगह बैठा रहता है, वो कहीं ना कहीं वहां पर हालात ठीक नहीं रहते। और उसके साथ ही में ये जो जीएमसीज हैं इनको लेकर ये भी कि जो नए जीएमसीज बने हैं उसमें नॉन मेडिकल स्टाफ, नॉन गजटेड पोस्ट के लिए भी जो रिक्रूटमेंट रूल्स होने चाहिए वो रिक्रूटमेंट रूल्स कहीं नजर नहीं आते। उन जीएमसीज में भी देखने को मिलता है कि काफी सारी वैकेंसीज है, वैकेंसीज फिल करने की जब बात आती है तो पता चलता है रिक्रूटमेंट रूल्स ही अभी तक फ्रेम नहीं हुए, तो वहां पे वैकेंसीज फिल कैसे होंगी? लेकिन कोर इशू वही कि डॉक्टर्स की कमी जम्मू खित्ते में महसूस की जा रही है। अगर कश्मीर जाके डॉक्टर सर्व कर रहे हैं, वहां वैकेंसीज बिल्कुल नाम मात्र है, तो फिर जम्मू में इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी देखने को क्यों मिल रही है, क्या कारण है और उसे एड्रेस करने के लिए सरकार क्या कर रही है?